सत सारा नू वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब मेरी तरह बिल्कुल ठीक होंगे और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको मेरी स्माइल देख के पता चल रहा होगा। आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। मुझे शोरूम से भी कॉल आ गया, हालांकि कल ही आ गया था, लेकिन अभी एक और कॉल आया कि सर आप अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए आ जाइए। तो मेरे से रहा नहीं गया, फटाफट रेडी हुआ। मैं कहा चलो चलते हैं और आपको भी बताते हैं कि आज हमारी बाइक की डिलीवरी है। वैसे थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी बाइक हम लेने जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं हमारी हिमालयन 2023 एडिशन स्लीट ब्लैक कलर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल एकदम नया कलर आया है, एकदम न्यू कलर है, जो कि अभी जनवरी फरवरी में ही लॉन्च हुआ है। तो वो लेने जा रहे हैं। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम एक बाइक लेंगे, टूरिंग बाइक या स्पोर्ट्स बाइक जैसे भी लेंगे, लेकिन लेंगे। फिर एक डेढ़ साल से हिमालयन के बारे में बात हो रही थी, काफ़ी लंबा समय हो गया। पर मेरा मानना है जो चीज़ जब होनी होती है वो तभी होती है, तो उस चीज़ का हमने वेट करा। तो आज वो दिन आ ही गया है कि हमारी हिमालयन हमें मिल रही है। तो मैं शुक्र करूँगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ करी है, मेरे को प्यार दिया, और भगवान का भी शुक्र करूँगा, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का और अपनी वाइफ का, जो कि हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि मैं नई चीज़ें करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें करता रहूँ और लोगों को दिखाता रहूँ। तो आज वो चीज़ पूरी हुई है। तो आपको इस जर्नी में साथ लेके चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कि बाइक हमारी कैसी लगती है, पूरी डिलीवरी का वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहना। और एक और चीज़ है कि मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस करा था, आपको पता ही है, लेकिन कमेंट्स बहुत कम आए हैं। और उम्मीद मैंने करी थी कि ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, पर बहुत कम कमेंट आया है। खैर एनीवे, हमें अपना विनर देना है, विनर हमें मिल चुका है। वीडियो में कभी भी मैं उस विनर का अनाउंसमेंट कर दूंगा, दो मूवी टिकट्स मेरी तरफ से उन्हें मिलेगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो सीधा चलते हैं अपनी हिमालयन स्लीट ब्लैक की डिलीवरी लेने के लिए। सो लेट्स गो। तो एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा है, सुबह से लेकर अभी तक कुछ खाया नहीं है, इवन एक चाय का कप भी नहीं पिया, राइट। अब बाइक लेने के बाद ही कुछ खाएंगे हैं। तो भाई रसगुल्ले में करा लिया मुँह मीठा कराने के लिए, पर केक नहीं मिल रहा है यहाँ पे। केक ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। भाई एक तरफ से सामने से मिठाई मिली, दूसरी तरफ से केक मिला, मतलब फुल पागल हो रही चल रही है। केक गायब, केक गायब हो गया, केक पैक होने गया। पार्टी पॉपर अभी भी नहीं मिला, बताओ। बिना पार्टी पॉपर के पार्टी करनी पड़ेगी भाई, एक बार ढूंढ लेते हैं, मिलता तो ठीक है, नहीं तो भाई मुश्किल है, बिना पार्टी पॉपर के डिलीवरी लेंगे। फाइनली शोरूम पहुंच चुके हैं, गाड़ी में से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी एक्साइटमेंट है, सबका बड़ी एक्साइटमेंट है। फाइनली शोरूम पहुंच गए भाई डिलीवरी के लिए। तो अब डिलीवरी डन होने वाली है हमारी। तो इतने साढ़े जसपा जी भी आ गए ने, ये हाल है ब्रो। और भाजी बा फर्स्ट क्लास, मैं कहा मुबारक हूँ तुम्हें भी भाजी, पहला तुम मुबारक। बड़ा खुशी होगी, चलो अपने ग्रुप चो कोई हिमालय लै रहे। मेरा अपना ड्रीम से कुछ टाइम चो भी पूरा आएगा, लेकिन इन्ना को आ गई अपने को। तो कोई नहीं, डिलीवरी लेने भाजी। भाई का चैनल है जस व्लॉग्स के नाम, तो डिस्क्रिप्शन से भी लिंक पा दूंगा, तो तुम्हें लिखा भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के उत्ते। सबसक्राइब कर लो, सबसक्राइब कर। ब्लॉग किया यूलू बाइक वाला, आई बटन से भी लिंक मिल रहेगा, तुम देख सकते हो, राइट। इंस्टाग्राम चलिए फिर भाजी। तो हरलीन देख रही है बाइक यहाँ पे कि मैं चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी। बाइक देखो इस साइड खड़ी है, मैं अभी दिखाऊंगा नहीं। तो क्या लग रहा है, चला पाओगे? आपसे बड़ी है वो जी। पर्दा आ गया इसके ऊपर और अब रिवील करने की बारी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने सालों का ड्रीम पूरा हो रहा है आज। और लिटरली मैं रोऊंगा नहीं, आँखों में आंसू जरूर है, बट खुशी के आंसू है। और आप लोग सपोर्ट करते हो, मोटिवेशन देते हो, इस वजह से ही होता है। और मैं और मोटिवेशन चाहता हूँ कि आप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस देखें। आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत ही बड़े बड़े ट्रिप्स हम लेके आएंगे। आज मेरा सपना पूरा हुआ और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे यारों दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे परिवार वालों का और आप सबका सपना पूरा हो, जिस तरह से मेरा सपना पूरा हुआ है। तो अब बारी आ गई एक बाइक को रिवील करने की, दर्शन कराने की हमारी हिमालयन के। तो चलो यार, बस देर नहीं हो, मतलब वेट नहीं हो पा रहा हूँ उससे। हमारी लाइफ में आए
फाइनली हमारी बाइक रेडी है राइड के लिए, रॉयल एनफील्ड हिमालयन आपके सामने। गगन भाई गाड़ी लेके चलेंगे और हम मोटर व्लॉग करते हुए जाएंगे गुरुद्वारे तक, राइट। तो जी पहली राइड हमारी हिमालयन की शुरू होने जा रही है। वो भाई साहब क्या ही फीलिंग है, दूसरा गियर डालते ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा ड्रीम, हमारी फैमिली का ड्रीम, हमारी यूट्यूब फैमिली का ड्रीम पूरा हो गया है और हिमालयन स्लीट ब्लैक 2023 हमारे पास आ गई है। वैसे तो रॉयल इनफील्ड हर लड़के का ड्रीम होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि हिमालयन हमारा ड्रीम था। और भाई साहब जो फीलिंग आ रही है ना ये बाइक चलाने में, मैं क्या ही बताऊँ। सामने की तरफ आप देखोगे कितना अच्छा लग रहा है इसका कंसोल, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर वगैरह, और काफ़ी अच्छी सर्विस दी मेरे को शोरूम वालों ने, काफ़ी मज़ा आया। तो नई बाइक की फील ही अलग होती है, और नई बाइक अगर आपकी पसंद की हो तो क्या ही कहने। ओ भाई साहब दोस्तों देखो आप, मेरा ये फेवरेट रोड है दिल्ली के अंदर। अगर आपको जंगल के नज़ारे लेने हैं, जंगल का एक क्रॉसिंग लेनी है, बहुत ही बढ़िया प्यारा रोड है। देखो आप आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। इस रोड की तारीफ़ मैं अपनी कई वीडियोस में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बार बार बोलने का, बार बार तारीफ़ करने का मन करता है। तो बाइक चलाते लगते थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हवा डलवानी होगी हमें, थोड़ा सा मेरे को बबलिंग लग रही है टायर के अंदर। तो कोई नहीं, पास में पेट्रोल पंप है, वहाँ से रीफ्यूल भी करा लेते हैं और जो है अपने टायर्स में हवा भी डलवा लेते हैं। तो चलते हैं, बस 5 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुँचने में वहाँ पर। तो गाइस थोड़ी सी फ्यूलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद हवा भी डलवानी है इसके अंदर। वाला है भैया हवा वाला है, आसपास आ गई। तो जी फ्यूलिंग तो हो गई है, अब इसमें हवा डलवा लेते हैं, कैसे लग रहा है। तो गाइस हवा भर चुकी है अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी प्यारी प्यारी हिमालयन के अंदर स्लीट ब्लैक। ओहो हो, तो देखते हैं कि अब कैसे चलती है। ओह थोड़ा सा मैं अभी लचका खा गया था, अभी मैं आपको बोलने वाला था कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं जो है यूज्ड टू हूँ इस बाइक का, पहले से कहने वाला था कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार चला रहा हूँ, बट तभी लचका आ गया। भगवान कह रहे हो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत चल, थोड़ा आराम से चल। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा गुरुद्वारे नानक पेव साहिब, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे और अपनी बाइक के लिए अरदास कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे या फिर सीधा घर जाएंगे और घर वालों को इसके दर्शन कराएंगे। कौन है तू? गाड़ी चिल्ड हो रही है, हॉट हो रही है, फुल हॉट हो रही है, ये चिल्ड और ये हॉट है। तो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी ने सच्चे पातशाह मेहर करना।
तो हम लोग गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, सामने आप दर्शन कर सकते हो। तो आप व्यू चेक करो, ये रही हमारी बाइक और ये गुरुद्वारा साहब। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, ते गुरुद्वारा दे दर्शन असीं कर लए ने, बाइक हुण आ गई है मेरे कोल, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਸੀਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸਕਾ, ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਊਂਟ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਕ चला रहे हो, मतलब है तो ऊंट ही है। फर्स्ट फ्लोर पे बाइक चल रही है हमारी, फर्स्ट फ्लोर पे। क्या रिव्यू है, क्या रिव्यू है मम्मी? फुल टॉप। पैसा वसूल, पैसा वसूल। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आज है दूसरा दिन, कल हमारी डिलीवरी हुई थी, तो आज मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। रीज़न है कि कॉन्टेस्ट के लिए मुझे टाइम देना था थोड़ा सा, कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। मैं कहा चलो टाइम दे दो थोड़ा सा भाई, अगर कोई चाहे कमेंट करना, क्योंकि बहुत कम कमेंट्स आए थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की थी। तो चार लोगों ने आंसर सही दिया है, मैं नाम लेना चाहूँगा, शिखा खोखा, विभांशु पांडे, सचिन दसोदिया एंड हैरी सिंह, ये चार लोगों ने सही आंसर दिया है। अब बेसिकली बात क्या है, दो से तीन लोगों ने और आंसर सही दिया था, बट जैसे मैंने क्या आपको बताया था कि उन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या उनके कमेंट को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, या उनके आंसर को कंसिडर नहीं करूँगा, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है। और उन लोगों को तो कम से कम डेढ़ दो साल से पता है कि मैं हिमालयन ही लेने वाला हूँ, तो मैंने उनका नाम इसलिए विनर लिस्ट में नहीं डाला है। तो चार लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ। तो अब मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हाँ चलो चार लोगों ने जो आंसर दिया है, अब किसको मूवी टिकट दी जाए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, तो फिर मैंने ये डिसाइड करा कि हम चारों को मूवी टिकट्स देंगे, दो दो नहीं पर एक एक मूवी टिकट्स देंगे। तो यही रहेगा कि वो लोग चाहें तो खुद मूवी टिकट्स बुक कराएँ और एक के पैसे मेरे से ले लें। तो चारों विनर है मेरी तरफ से, तो कॉन्ग्रेचुलेशन चारों को, एक एक मूवी टिकट्स चारों को मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ। और यही रहेगा कि वो अपनी मूवी टिकट या तो बुक करा ले, जैसे मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं तो वो दो मूवी टिकट बुक करा ले और मेरे को बता दें, मैं एक के पैसे उन्हें पेटीएम कर दूँगा। तो इस तरह से रहेगा, क्योंकि एक मूवी टिकट बुक करा के दूँगा तो फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, आजकल अकेले मूवी देखने कोई जाता नहीं है। तो सही है, एक एक मूवी टिकट्स मेरी तरफ से आप चारों को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई मूवी टिकट जब भी बुक कराओ मेरे को पिंग कर देना, मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उस मूवी की एक टिकट के पैसे तुरंत पेटीएम कर दूंगा। तो यही है आज की वीडियो। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी बाइक कैसी लगी और क्या क्या अच्छा लगा आपको। तो यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उस जर्नी का आप पार्ट बनिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, स्टे ट्यून्ड।